सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुश मांडा IAS HCS एकेडमी को और दबाए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, आई जैनिस फ्रॉम कुशमांडा एजुकेशन। आइए हम हरियाणा जी के से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन वन है आपका, देश की वह प्रथम महिला कौन है जो हरियाणा वन विभाग में शीर्ष पद पर 30 अक्टूबर 2015 को नियुक्त हुई है? और आपका उत्तर है अमरिंदर कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना करने हेतु सहमति किस गवर्नर ने दी थी? और आपका उत्तर है जगन्नाथ पहाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, कब किया गया था ये पूछा है यहाँ पे। और आपका राइट आंसर है नवंबर 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कल्पना चावला की जो मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में कब हुई? और आपका आंसर है 1 फरवरी 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, यहाँ पे ऊंचाई पूछी गई है। और आपका उत्तर है 700900 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फजल आली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? और आपका राइट आंसर है 1956 में। अगला क्वेश्चन करते हैं, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? और आपका जो उत्तर है मराठा सदाशिव राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहाँ हुआ? और उत्तर है आपका, यह रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ, अंबाला में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित लक्ष्मी चंद संगी ने गुरु रूप में किसकी प्रस्तुति की है? उत्तर है आपका मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई? और आपका उत्तर है, यह लड़ाई जो है महाभारत की, ये 18 दिन लड़ी गई। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो शाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता से संबंधित है? और आपका जो उत्तर है वो है, ये विष्णु देवता से संबंधित है। कहाँ का मंदिर? तो शाम का। अगला क्वेश्चन करते हैं, चीनी यात्री हेन स्वांग का हरियाणा में निवास कब तक रहा? और आपका जो उत्तर है वो है ईस्वी 634 से लेके 644 तक रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई? और आपका जो उत्तर है, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है यहाँ पे। और आपका जो उत्तर है, ये मुख्यालय चंडी मंदिर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिस समय हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तब भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? और आपका उत्तर है, कौन थे राष्ट्रपति? जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा, जिन्हें हम हरियाणा केसरी के नाम से भी जानते हैं, का जन्म कब हुआ, ये पूछा गया है। और आपका जो उत्तर है वो है 4 सितंबर 1887, रोहतक में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय रोहतक क्षेत्र में नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया? और आपका जो उत्तर है वो है
बिसारत अली, किसने किया नेतृत्व? बिसारत अली ने किया 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति के समय हिसार क्षेत्र से नेतृत्व किसने किया? और आपका जो उत्तर है वो है मोहम्मद आजिम ने किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय पानीपत क्षेत्र से नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया, ये पूछा गया है यहाँ पे, और आपका जो उत्तर है वो इमाम अली कलंदर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री जो भारत के डिप्टी प्रधानमंत्री भी रहे वो कौन है? उत्तर है आपका चौधरी देवीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने? और उत्तर है आपका ओम प्रकाश चौटाला, ये 4 बार मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति का हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर कुल समय काल सबसे अधिक रहा, सबसे ज़्यादा अधिक कार्यकाल पूछा गया है यहाँ पे, और आपका जो उत्तर है वो है बंसीलाल, इनका कार्यकाल रहा 4633 डेज। और आपका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन जो है वो कितनी बार लगा? और आपका जो उत्तर है ये 3 बार लगा, ये तीनों डेट है आपकी, नवंबर 1967 में लगा, अप्रैल 1991 में लगा और अप्रैल 1977 में लगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मुख्यमंत्री कौन बने? और उत्तर है आपका बंसीलाल जो है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा साहित्य अकादमी का जो गठन है वो कब हुआ? और आपका उत्तर है 9 जुलाई 1970 में अकादमी का, साहित्य के अकादमी का गठन हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो है वो कब लगता है? और आपका जो उत्तर है वो है प्रतिवर्ष लगता है ये मेला सूरजकुंड फरीदाबाद में। और 1 से 15 फरवरी तक यह मेला लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीसवाल जो संस्कृति है वो किस जिले में फैली थी सबसे पहले? और आपका जो उत्तर है वो है हिसार जिले में सीसवाल संस्कृति फैली थी।